जिम्मेदारी क्या है, आपके हुकूक क्या है कि माँ बाप का कहा मानो, उनकी परवरिश करो, आपके हुकूक है। फर्ज किया गया है, ऐसे माँ बाप को कहा गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह कर दो, ये आपके हुकूक में से आता है। किसमें से आता है? अब अगर आप जाके कहें नहीं पापा हमें पढ़ना है, अबू हमें पढ़ना है, और वो कहें नहीं पढ़ा सकते, तो साफ साफ कहिए ये आपका हक है पढ़ा, क्या है? अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारा हक छीन रहे हैं। क्या छीन रहे हैं? हक छीनना जानते हैं ना, किसी की जमीन हक लेना हक छीनना होता है ना, सुने होंगे आप, हमार जमीन। अगर आपको तालीम नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आपका, कि आपके हुकूक आप लड़ भी लीजिए, ये मेरा हक है मुझे पढ़ाइए, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप कितना कमा के मुझे पढ़ाते हैं। ये आप कह के नहीं कह सकते कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, आप इकट्ठा करिए, हमें कम पढ़ाई पढ़ाइए लेकिन हमें इतना पढ़ाइए कि हम समाज में चलने के लायक हो जाए। अब जहां आप बैठे हैं वहीं हम भी बैठते थे, अगर हमने माँ बाप से हुकूक के लिए लड़ाई नहीं की होती, या माँ बाप से नहीं कहते हम फला जगह पढ़ना है फला नहीं पढ़ना है, तो आज खड़े होकर हम यहाँ बोलते नहीं। हमारे साथ और भी बच्चे पढ़ने वाले थे, आप राकेश मार साहब को देख रहे हैं, हमारे उस्ताद रह चुके हैं टीचर, उन्होंने पढ़ाया है। आप बता, आप से पूछिएगा कि हमारे साथ और भी बच्चे थे, उसमें कुछ बच्चे हैं जो एजुकेशन में आगे गए और कुछ 5 पढ़ के 8 पढ़ के छोड़ दिए, तो वो यहाँ पे गाड़ी दौड़ाते हैं या मुंबई में कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन समाज में जो इज्जत जो वकार ठीक है जो स्टेटस मिलता है वो सिर्फ एजुकेशन का मिलता है, और उसमें सबसे बड़ा एजुकेशन जानते हैं किस चीज का है, टीचर्स का। टीचर आपको इंजीनियर बनाता है, ये टीचर आपको क्या बनाता है, डॉक्टर बनाता है, ये टीचर आपको डीएम बनाता है, ये टीचर आपको आईएएस पीसीएस बनाता है। तो सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या है एजुकेशन में, टीचर, राइट? आप लोग इज्जत करते हैं ना टीचर्स की, ठीक। तो आप अपने पेरेंट्स से कहें हमारा हुकूक है हमें करना है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ लिखा है कि माँ बाप का कहना मानना चाहिए, राइट? और माँ बाप कह रहे कि नहीं बेटा नहीं पढ़ा पाएंगे, हम कहना नहीं मान रहे, हम लड़ रहे हैं, ये भी सवाल पैदा होगा ना, फिर करें क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं माँ बाप का कहना मानो, एक तरफ कह रहे कि लड़के ताली मार सकते हो। आप ये बताएं कि अगर आप माँ बाप से कहें, आपके माँ बाप आपसे कहें कि बेटा एक दलदल है उसमें कूद जाइए, आप कूदेंगे? दलदल ऐसा है कि ना आप बाहर आ पाएंगे ना अंदर जा पाएंगे, फंस जाएंगे बीच में, राइट? आप इनकार कर देंगे, नहीं पागल हो गए क्या, मर जाऊंगा मुझसे, यही बोलेंगे ना? और कोई बेवकूफ माँ बाप बोलेगा मुझे क्यों? तालीम ना हासिल करना और उस तरह की जिंदगी एक दलदल, क्या बगैर इल्म की जिंदगी क्या है? और जब उस दलदल में इंसान फंस जाता है तो ना बाहर निकल पाता है और ना जमीन में धस जाता है, धस पाता है। तो उस दलदल में बोलिए कि अगर आप इनकार कर रहे हैं ठीक है तो आप मुझे दलदल में डाल रहे हैं, हाँ मुझे ऐसी जगह तैरने को बोलिए एक साफ सफाफ पानी हो, तालाब हो, दरिया हो, आप बोलिए इस छोर से तैर के बेटा उस छोर पे जाओ, और इस तैर से छोर के उस छोर पे जाने के लिए तैर के सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपको तैरना आनी चाहिए, राइट? और तैरने को क्या कंसीडर करेंगे आप, जानकारी, ये कहां से मिलेगी, तैरना सीखेंगे ना, यही जिंदगी, आपको इस पड़ाव से कूद के तैर के उस पड़ाव में जाना है, और रास्ते में जो वसायल मिलते हैं कि हमें किस तरीके से उस पार जाएंगे, हम किस तरीके से कूद पाएंगे, वही मसायल को कहते हैं इल्म। क्या कहते हैं? तो उनसे कहिए हमें दलदल में नहीं, किसमें जाना है, दरिया पार करना, ठीक है? और इस्लाम में कुरान में जगह जगह जो आयत थी, सबसे पहले कुरान में जो आयत थी वो क्या आई है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ा आपने, पढ़ो रब के नाम के साथ जिसने तुम्हें पैदा किया, ये तर्जुमा है ना, इसे क्या मतलब, पढ़ो, पहले नमाज पढ़ने को नहीं कहा है, वो तो है ही, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब आपने अगर 6 में आ गए, 6 में आने के बाद आपको साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, समझ रहे ना, ये नहीं कि मैं 6 में आ गया साइंस नहीं पढ़ूंगा, ऐसे अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले 6 में आने जाने 6 में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए ना, तो नमाज पढ़ने के लिए पहले पढ़ना तो आना चाहिए ना, सूरत कहां से याद करेंगे आप, पढ़ के ना, सूरत नहीं आती तो नमाज में क्या पढ़ेंगे,
मतलब दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए, चाहे वो जो चीज हो, आप घर में रहते हो, आप महल में रहते हो, आप समंदर में रहते हो, आप गाड़ी में रहते हो, बगले में रहते हो, सबसे अहम चीज क्या है? मैं इतनी सारी बातें आपको बोल रहा हूं, अगर मैं जानकारी नहीं लेता, नहीं पढ़ रहा होता, नहीं पढ़ा होता, तो मैं बोल पाता नहीं ना? एकदम सिंपल सी बात है, आप कहीं कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ करना है, किसी को राय मशवरा देना है, अपने घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़े का हल लड़ाई झगड़े से होता नहीं है, बातचीत से होता है ना, ये जानते हैं ना? तो जब लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो आप जानकार रहेंगे तो बिठा के माँ बाप भाई बहन को कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, मसला हल हो जाएगा। ये कहां से आएगा? जानकारी से, सिंपल सी बात है ना। तो जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे, हर मोड़ पे क्या चाहिए? इल्म, जो आप हासिल कर रहे हैं, ठीक। और अभी आप एकदम नॉर्मल दुनिया में, कौन सी दुनिया में? माँ बाप खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, एक ऐसे पहाड़ बड़े बड़े आपको टकराएंगे कि आप पहुंच जाएंगे पहाड़ के पास, आपको दिखाई नहीं देंगे। इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें इंसान के ऊपर आती हैं, आपको समझ में नहीं हम क्या करें। हमारे माँ बाप पर देखते होंगे परेशान, कभी रहते होंगे, खुद पूछते होंगे पापा क्या होगा, अब्बू क्या होगा, कहीं परेशान, अम्मी क्या होगा, कहीं परेशान। नहीं बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम स्कूल जाओ। होता है ना, होता है, घर में नहीं होता। उस परेशानी को, उस पहाड़ को दूर करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको हासिल करें। जो जिंदगी में हासिल करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, राइटर, टीचर, डीएम, आईएएस, पीसीएस, जो बनना है, अपने ख्वाब के लिए चलते रहिए। रिजल्ट किसका देना काम है? अल्लाह का। किसका? धान बीज डालते हैं, डाले ना जिनके एक महीना पहले आपके धान के पास खड़े हैं, आप डाल के आ गए, उसको जब जरूरत है आप देते रहे। अब अगर फल नहीं आएगा, उसमें बीज नहीं होगा, तो उसमें हमारी पूरी कोई गलती है? अल्लाह ने नहीं दिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद ना खाद डाल रहे हैं उसमें, ना पानी चला रहे हैं, ना जा रहे हैं देख रहे, कहां से होगा? तब नहीं होगा, तो आपको लगेगा यार मैंने कुछ किया नहीं। और ये गारंटी है कि अगर आप उस धान में खाद डाल रहे हैं, पानी चला रहे हैं, दवा मार रहे हैं, रेत देख कर रहे हैं, तो गारंटी है कि वो उसमें फल जरूर आएगा। और ये होता है, हम खाते ना उस चीज को। आप गांव में होगा कोई धान पिराई करना देखते होंगे, तो क्या खबर आती होगी? खलीरी इमारत है, राइट? इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। यही सुना होगा ना आपने, किसी ने सुना हमने खाद डाला और धान अभी भी पीला है, ऐसा नहीं सुना होगा आपने। यही जिंदगी है, आपको इसमें तैयारी करनी है। अब तो जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऑनलाइन सिस्टम तैयार हो गया है मोबाइल से पढ़ने वाला। आपके बड़े भाई बहन पढ़ते होंगे स्कूल में, जो बाहर उनके पास मोबाइल सिस्टम है, सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल रहती हैं, कुछ सीखना है, कुछ जानना है, आपने डाला, आपके टीचर्स अपलोड कर देते होंगे। अभी यहाँ ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, कुछ दिन में यहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो तालीम हासिल करने के लिए बहाना नहीं डाल सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं है, ठीक। तो ये वादा है ना कि आप लोग आगे और पढ़ाई करेंगे, जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर बन जाए, जरूरी है कोई इंजीनियर बन जाए, लेकिन इतना हो कि वो समाज में उठने और बैठने के लायक हो जाए, राइट? ठीक है, कोई आप जा रहे हैं, पता चले कि हाँ वो सुबह जा रहा है या फला जा रहा है, राइट? ये सब चीजें आपके जहन में जब रहेंगी तो आप कामयाब बनेंगे। और जब कामयाब बनते हैं तो दुनिया में सिर्फ तीन लोगों को खुशी होती है, जेन्युइन, जिसको बोलते हैं जेन्युइन खुशी, वो सिर्फ तीन लोग, नाम बताऊं? मां बाप, क्यों? टीचर, एग्जैक्ट। सिर्फ तीन लोग खुश होते हैं, जो जेन्युइन, जिसको बोलते हैं दिल से उससे निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ये है, यही तीन लोगों के दिल से निकलता है कामयाबी। और इसी में चाहे वो आप हिंदुस्तान के कल्चर को ले लीजिए, यहां की परंपराओं को ले लीजिए, या इस्लाम को ले लीजिए, दोनों में सबसे ज्यादा मां बाप के बाद इज्जत किसी को दी जाती है, तो किसी दी जाती है? टीचर्स। कामयाब बनिए,
स्कूल का नाम रोशन करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, समाज का रोशन करिए, गांव का रोशन करिए, टीचर्स का नाम रोशन करिए और जिंदगी में आ ठीक। हम लोग बाकी दुआ करते रहते हैं कि कामयाब कीजिए।